जी हाँ, तो युद्ध विराम के बाद अब इसराइल का आगे का क्या प्लान है, इसकी पूरी डिटेल आपको निधि ने दी। वहीं अमेरिका में युद्ध आगे फैलने का डर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और CIA एक्टिव नजर आ रहा है। मिस्र तुर्की से बात कर रहे हैं CIA चीफ। दूसरे देशों के जंग में आने का खतरा लगातार मंडरा रहा है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है इसराइल को भी समझाने की कोशिश अब अमेरिका करता नजर आ रहा है। तो देखिए, इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ एक बार फिर से करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PK घोष साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमें ज्वाइन किए हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वॉर जोन से खुद लौटे हुए हैं और इसराइल की स्ट्रेटजी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मनीष इस वक्त क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह के ऑपरेशनल पॉज की बात IDF की तरफ से की गई है, बंधकों की रिहाई के मद्देनजर यह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 3 बंधकों की मौत का भी जिक्र अब साफ तौर पर सामने आ चुका है। बिल्कुल समीर, देखिए पहले ही हमने देखा था कि 2 बंधक मारे गए थे और उसके बाद अब और 3 बंधकों के मारे जाने की बात सामने आई है। उनके शव इस वक्त IDF को सौंपा जा रहा है हमास की तरफ से। तो वैसी स्थिति में लगता है कि अब और कितने बंधक हैं जो कि हमास के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में मारे गए। अब अहम बात यह है कि इजराइल एक बार फिर से साउथ गाजा पर बड़ी हमले की तैयारी में है और इसी बात को लेकर सबको डर है। इस बात को लेकर ना केवल हमास को बल्कि मीडिएट कर रहे कतर को, टर्की के अलावा अमेरिका को भी डर है, और इसलिए इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री और बाइडेन के विशेष दूत तेल अभी पहुंचे हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि इस वक्त अगर नेतन्याहू खान यूनुस या साउथ गाजा के किसी भी इलाके में हवाई हमला करता है तो फिर इस जंग को और अधिक फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, लेकिन सुमित मैं आपके पास आऊंगे और ये पूछेंगे हम आपसे कि जो जेनिन का इलाका है वो कैसे इस वक्त केंद्र रहने वाला है IDF के ऑपरेशन का। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है, जल थल नब से हमास पर हमले करेंगे, ये योव गैलन का कहना है। इसराइल की आर्मी हमले के लिए तैयार है ये भी कहा जा रहा है। तो यानी ये निश्चित है, ये तय नजर आ रहा है कि क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि सीज फायर एक दिन भी बढ़े और इसीलिए अब हमले तेज करने की कवायद होगी। तो गैलेंट का ऐलान नहीं बचेगा, हमास तो अभी भी बहुत आक्रामक बयान इसराइल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमास के समूल नाश की बात की जा रही है। इसराइल की बड़ी धमकी क्या है जल्दी से आपको दिखाते हैं। गैलेंट ऐलान करते नजर आ रहे हैं हमास के सफाई की, जल्दी टैंक बख्तरबंद वाहन का एक्शन दिखेगा, टाइगर्स और विध्वंसकारी हथियार गर्जेंगे, किसी को संदेह है तो ट्रेलर देख सकता है, युद्धाभ्यास जारी है और दुश्मन की हार होगी, ये कहा है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। निधि जी हाँ, ये जो 4 पॉइंटर्स आपको हम दिखा रहे हैं इसमें साफ है, इशारा साफ है कि जल्द ही टैंक बख्तरबंद वाहन का एक्शन देखने को मिलेगा। हलचल अभी से ही तेज हो गई है, टाइगर्स हो या विध्वंसकारी हथियार हो वो गरजने वाले हैं, किसी को संदेह है तो उसे संदेह नहीं होना चाहिए। मायने क्या है इस बयान के योव गैलन के, ये भी जान लीजिए। इसराइल को सभी बंधकों की रिहाई का इंतजार है, 7 अक्टूबर के गुनहगारों को छोड़ना नहीं चाहता। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका भी सुन नहीं रहा है इसराइल की। देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं और पर्दे के पीछे भी कई बड़े खेल चल रहे हैं, उनकी भी डिटेल हम आपको देंगे।